बांदा की नरैनी तहसील के विकास खंड महुआ ग्राम पैगम्बरपुर के लोगों ने कोटेदार के खिलाफ राशन वितरण, कालाबाजारी व कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। आपको बता दें, पूरा मामला जिला मुख्यालय के डीएम कार्यालय का है, जहां गेरवा थाना क्षेत्र के पैगम्बरपुर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में कोटेदार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमे प्राधिकरणों का आरोप है कि कोटेदार राममिलन के दौरान अंगूठा लगवा कर वापस भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, कोटेदार के मनमानी तरीके से कार्ड धारकों से पैसा भी वसूल किया जा रहा है, जबकि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की बात कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके कोटेदार के द्वारा धांधलीबाजी की जा रही और विरोध करने पर कोटेदार अभद्रता करने पर भी उतारू हो जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द कोटेदार पर कार्यवाही की जाए। क्या नाम है भैया? हेमराज। कहाँ से आए? पैगम्बरपुर। थाना गिरुआ। किस समस्या को लेके आए? कोटेदार जी, क्या है समस्या? क्या क्या समस्या? ये है कि कोटेदार अंगूठा लगा लेता है और राशन नहीं देता, पर्ची निकाल के नहीं देता है, बार बार लौटाता है और बार बार गल्ले के लिए लौटाता है, घर तौली करता है, दो बार फ्री वाले गल्ले में पैसा लेके दिया है और हर बार जो है घर तौली करता है, और दो बार फ्री वाले गल्ले में एक यूनिट में 5 किलो मिलता है तो 4.5 किलो दिया है। कितने लोगों को गल्ला नहीं दिया है? बहुत पूरे लोगों को नहीं दिया। चना जो है, चना 1 किलो देता है तो 3 पाव निकलता है, कहीं 700 ग्राम निकलता है, 2-3 बार चना दिया है, 7 किलो चना चढ़ाए हैं, मिट्टी का तेल 1 बार दिया, कई बार मिट्टी का तेल चढ़ाए हैं और यूनिट कटा देता है, पैसा लेता है, वो कहो ऑनलाइन कराने के लिए दो पैसा, 200 रुपये दो, 150 रुपये दो, बार बार जनता को परेशान कर रहा है, 1000 रुपये के शराब पी के वहाँ दुकान पे बैठ जाता है, कहीं 2 बजे खोलता है, कहीं 2 बजे बंद करके चला जाता है, जनता का बहुत परेशान करता है, गाली गलौज भी करता है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ करी थी इसके पहले? इसकी सबसे पहले हमने SDM को शिकायत 7 तारीख को किया था, इसके बाद जिलाधिकारी को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, जिला पूर्त अधिकारी को दिया। अच्छा, कई बार शिकायत कर चुके हैं? कई बार शिकायत किया है। तो आज किसके पास आए? आज DM साहब के पास आए हैं और 12 तारीख को यहाँ से जांच के लिए गए थे, वो दोनों कोटेदार से मिले हुए हैं, वो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, जनता परेशान है, फिर इसलिए आना पड़ा है कि ये पैसा लेके बिक चुके हैं, जो जांच करता गए थे 12 तारीख को, 12 तारीख से अभी तक कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? हम उसको ये चाहते हैं कि जनता का बहुत ज़्यादा शोषण हो, इसकी दुकान निरस्त हो, ये चाहते हैं, जनता की अच्छी भलाई करे, नहीं इसकी दुकान निरस्त हो, हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। क्या नाम है? हेमराज राजी, पैगम्बरपुर। क्या है मामला? ये कोटेदार नरैनी के महुआ के खिलाफ है इस पैगम्बरपुर के, इसमें इन्होंने दिया है कि कोटेदार अभद्रता करता है, बढ़ता नहीं है, उसकी जांच करा लेते हैं SDM नरैनी से और जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर वो बदमाशी करता है, लोगों को नहीं देता, उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या नाम है भैया? जगदीश। जगदीश कहाँ से आए? मझगवा से। मझगवा थाना गिरवा। किस समस्या को ले जाए? कोटेदार के खिलाफ शिकायत करने के लिए। क्या क्या शिकायत? साहब गेहूँ नहीं देता है, बार बार लौटा देता है, विकलांग आदमी है हम, एक साथ में लेके पैगम्बरपुर जाते हैं 3 को, फिर वहाँ से वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर 3-4 बार में अंगूठा लगवा लेता है, जमा कर लेता है, राशन कार्ड देता नहीं, धमकी ऊपर से देता। क्या कहता? कहता हम लोग जाओ जहाँ तुमको सुनाना सुना जाओ, हम नहीं देंगे तुमको गल्ला। सर विकलांग किस बात के? कैसे विकलांग हो तुम? सर पढ़ते पढ़ते हो गए, नहीं दिखाई देने लगा। नहीं दिखाई देने लगा? अच्छा, आँख से दिखाई नहीं देता? आँखों से, आँखों से दिखाई नहीं देता। विकलांग है साहब, एक साथ में लेके आते, उसका भी किराया भाड़ा देते हैं, अपना भी देते हैं, प्राइवेट साधन चलते हैं। अच्छा, 3 पसेरी क्यों? सुमन कहाँ से आई? पैगम्बरपुर। किस समस्या को लेकर आई? आई हम कि गल्ला नहीं देता है, रफाई कर देता जो गल्ला ले अपने आदमी का भेज जाता, तो तुरंत जेल भेज देता पुलिस का बोला कर, तो गाली गलौज करता का? अरे कहीं बार उखाल ले मोरे और कहे कि जब हो सड़ी बारी सुनाया जाए सुनावा का हो, मादर चोद बेटी चोद है, इस तरह गाली देता है, गाली देता है, कोटा से लात मार कर निकाल देता है, कहते थे कि जब हो सड़ी बाली अंगूठा लगवा ले, मैं थोड़ी जान लगा जब मोरे लड़का हमें मराई हवा तो भगा दे, 2 बार नारायणी में बेड़ दिन है, तो एक दिन नहीं हम आए हैं,
झमक आई गए हैं कि चला हुई वहाँ हरदम लहट पड़ी है इसे नहीं हम मान रहो आज तब ना कि हमारे रफाई कर दिन है तो हमें बुरा लाग है कहने तक गल्ला देते अपने बाप का देते है साथ जाकर गल्ला चढ़ाई चना नहीं दी नहीं और एक किलो गेहूँ और तीन पगो चना निकल रहा थी दूध भर हमें दिन है नहीं दी नहीं दो बार दिया हाँ दो बार दिया है अच्छा अच्छा दर मिल कुछ है और काले पेन से लिखा है अलीले पेन से रात के चढ़ाया है कि मिल कुचो है इतना ने करा था दगाबाजी हमारे साथ है हाँ नहीं देता है और चढ़ावत है तो कहे हरदा हमारा रफाई कर देता भाई अपने बाप के थोड़ी एक हटाओ चाहे हमें कोटा मिले ना मिले हम हटाओ चाहे थे कि या ना पावे का जीवन में ना पावे बांदा से केके डी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।